इस टॉपिक के अंदर जैसा कि हम प्रीवियसली हमने आ, लाइन लगाना सीखा हमने मल्टीपल मेथड्स देखे लाइन लगाने के आ, हमने देखा कि हमारे पास ड्रा मेन्यू में भी ऑप्शन है हमारे पास हमने सिंपल एल एंटर किया तो अच्छा उस वक्त हमने जितनी भी लाइंस लगाई हैं तो हम क्विकली ऐसे ही क्लिक्स करते रहे स्क्रीन के ऊपर और फिर हमने आर्थो भी देखा करके लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हमने स्पेसिफ़िक डायमेंशन विद स्पेसिफिक एंगल्स अगर लाइन लगानी हो तो क्या होगा कि मुझे टास्क मिलता है कि आपने जो है वो एक पॉइंट है एक्स और एक पॉइंट है वाई सो एक्स और वाई पॉइंट के दरमियान से कोई भी डिस्टेंस है दैट इज़ ट्वेंटी फीट माइट भी आप इस लाइन को जो है वो इंश्योर करें कि वो ट्वेंटी फीट की लाइन लग जाए और उसका कोई एंगल भी हो आ, एंगल हमें आ, पार्किंग में भी बहुत सारे काम आते हैं जब हम पार्किंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम फोटी फाइव के एंगल के ऊपर नॉर्मली कहा जाता है कि हमारी स्पेस कम से कम यूटिलाइज होती है और हम बड़े एफिशिएंट पार्किंग होती है सो आपके काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं जिसमें आपको टारगेट दिया जाएगा कि यू हैव टू ड्रा लाइन विद स्पेसिफिक मेयरमेंट्स एंड विद स्पेसिफिक एंगल तो इस टॉपिक में बढ़ते हैं कैड की तरफ और हम ऑपरेट करके देखते हैं कि किस तरह हम मुख्तलिफ डायमेंशन और मुख्तलिफ एंगल से लाइन को इंश्योर कर सकते हैं सो so, ये हमारे पास हमारी ड्राइंग है हम सबसे पहले इंश्योर कर लेते हैं यूनिट्स हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं सो so, विल इंश्योर कि हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो आ, यूनिट्स में होना चाहिए सो so, ये हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं सो so, एक तो हमने लाइन ड्रा की थी लाइक दिस वन मल्टीपल हम क्लिक्स करते गए कहीं पर भी हमने क्लिक की तो ये क्लिक होती गई अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि अगर हमने लाइन ड्रा करनी हो और स्पेसिफिक uh, हमारे पास यूनिट्स भी मौजूद हैं और एंगल भी मौजूद है तो क्या करना है सो so, हम जस्ट लाइन को स्टार्ट करेंगे पहला पॉइंट हम क्लिक करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करने से पहले मेथड आप देख लें सो so, हम सबसे पहले लिखेंगे एट द रेट ऑफ क्योंकि शिफ्ट प्रेस करके हम दो को प्रेस करते हैं सो so, आप ऑलरेडी भी लिखते होंगे अब जैसे मैंने एट द रेट ऑफ लिखा आप स्क्रीन के ऊपर अगर थोड़ा सा गौर करें उसने ऑलरेडी आपसे मेजरमेंट्स की वो वो मांग ली है कि आपकी ये कितने फीट की या जितने भी इंचज़ की लाइन है सो से दिस इज़ फोटी फीट आप कहते हैं कि फोर्टी फीट अब आपने एट एन एंगल ऑफ क्या करना है लेस देन का जो साइन आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद होता है लेस देन के साइन से आप एंगल की तरफ मूव करेंगे अब जैसे ही मैंने लेस देन का साइन प्रेस किया वो खुद ब खुद मुझे एंगल की तरफ लेकर चला गया कि अब आप एंगल को स्पेसिफाई करें ये लेस देन का साइन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आप गौर से देख रहे हैं तो आपको ये आपके कीबोर्ड में भी नज़र आ जाएगा सो so, uh, जो कि नॉर्मली uh, जो हमारे नॉर्मल कीबोर्ड्स हैं उसमें एम के साथ मौजूद होता है सो से फोर्टी फाइव की हम बात कर रहे थे तो फोटी फाइव सो एंटर डबल एंटर करेंगे आप तो ये आप देख लें कि एक लाइन जो है वो लग चुकी है और फोर्टी फाइव के एंगल पे ही है सो वेस्टर्न ऑफ दिस यू सी एस आईकॉन ताकि हमारे पास और क्लैरिटी यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये हमारे पास एक लाइन जो है वो ड्रा है इसको डिलीट कर देते हैं हम so, सो मेरे पास एक सर्टेन डायमेंशन अब एक और डायमेंशन की हम लाइन लगा लेते हैं वो क्या है आपने एक चीज़ और इंश्योर करनी है कि आर्थो ऑफ होना चाहिए जब आप किसी एंगल पे लाइन लगाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि आर्थो जब आपका ऑन होता है उस वक्त आप 90 या 90 के मल्टीपल एंगल्स पे ही लाइन लगा सकते हैं सो so, से हमारे पास आ, आ, हम कोई और लाइन लगाते हैं अगेन एट द रेट ऑफ उसने खुद ब खुद मुझे डायमेंशन मिले गया ट्वेंटी फीट एंड एट एन एंगल ऑफ से थर्टी 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 डिग्री पर कर लेते हैं हम सो एंटर डबल एंटर तो ये हमारे पास एक और लाइन है अब हम एक लाइन लगा लेते हैं से दिस इज़ आर लाइन ये हम आर्थो ऑन करके स्ट्रेट लाइन लगाते हैं ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है अब आर्थो ऑफ कर देते हैं आपने असाइनमेंट भी जाके ये ख़ुद करनी है घर में और मैं एक लाइन स्टार्ट करता हूँ जो मिड पॉइंट या हम ऑलरेडी सेटिंग्स दे चुके हैं अगर ये सेटिंग्स ठीक ना हो तो आप दोबारा ये स्नैप मोड में हम राइट right क्लिक करते हैं स्नैप सेटिंग्स में हम गए ऑब्जेक्ट स्नैप में गए और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं एंड पॉइंट मिड पॉइंट सो ऑब्जेक्ट और स्नैप आप एफ थ्री भी प्रेस कर सकते हैं डिपेंड्स और ट्रैकिंग ऑन ऑफ करनी हो तो एफ इलेवन सो आल वी नीड टू डू इज विल प्रेस ओके बटन सो मैं यहाँ से लाइन एंटर एल एंटर लाइन स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट से और हम सपोज uh, हम यहाँ पे डायमेंशन जो है एट द रेट ऑफ ये हम लेंथ को कांस्टेंट रख लेते हैं फोर्टी फीट और जो एंगल है वो हम पहला रख देते हैं बीस और एंटर तो ये हमारे पास बीस पे लाइन लग गई है अब हम दोबारा एल एंटर सेम पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखते हैं एट द रेट ऑफ डायमेंशन को भी हम सेम रखते हैं जो हमने फोर्टी फीट रखी थी वो भी सेम है और एट एन एंगल जो है वो हम रख लेते हैं फोर्टी एंटर ये हमारे पास लाइन लग गई एल एंटर अगेन सेम या हम स्पेस को एंटर करके दोबारा रीएक्टिव रे, कर लें कमांड को अब हमारे पास एट द रेट ऑफ से फोर्टी फीट और एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी अब हम साठ पे आ गए हैं सो so, इस तरह और स्पेस स्कोर करके हम चौथी भी लाइन लगा लेते हैं बाकी आप खुद कंप्लीट कीजिएगा इस असाइनमेंट को अब हम इस असाइनमेंट को सो वी कैन हैव मल्टीपल लाइंस विद मल्टीपल डायमेंशनज एंड एंगल्स सो हमें ये इनेबल करते हैं uh, अब हम एटी कर लें अब देखें तो थोड़ा सा परपेंडिकुलर लाइंस के करीब जो पहुँचेगा क्योंकि नाइन्टी यहाँ पर होगा और नाइन्टी लगानी है तो लेट्स टर्न दिस आर्थो कमांड ऑन और हम नाइन्टी फोर्टी के उस पर लगा लेते हैं फीट तो जब हमारा आर्थो ऑन होगा तो वो अंडरस्टूड है वो हमें बता रहा होता है कि आपको देर इज़ नो नीड टू टर्न ऑन दी दे दी एंगल क्योंकि वो ऑलरेडी एंगुलर लाइन ही लग रही होती है आर्थो ऑन करके हम जब लाइन लगाएंगे तो आप देखें या तो वो जीरो है या वन एटी है या नाइन्टी या टू सेवेंटी थ्री सिक्सटी इसके ऊपर वो लाइन्स हमारी इंश्योर कर रहा होगा तो इस तरह अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आप इसी तरह इसी शेप को पूरा मुकम्मल करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अनवर्ट जब भी कभी हमें लाइन्स uh, लगानी पड़ेंगी विद मल्टीपल डायमेंशन एंड एंगल तो हम किस तरह उनको लगा सकते हैं और आर्थों अगर ऑन कर लेंगे तो फिर हमें एंगल हम एक्सक्लूड कर देंगे फिर सिंपल हम ये जिस तरह हम लगा रहे हैं हम डायमेंशनस को इंश्योर करेंगे नाइन्टी फीट डबल एंटर सो हम लगा सकते हैं तो आई होप के इस जब हम इस तरह की प्रैक्टिस आगे करते जाएंगे तो हमारी पेस भी बढ़ती जाएगी और हम ईज़िली जो है अपने तो प्रोजेक्ट्स को आगे जाके मुकम्मल कर सकेंगे तो इस टॉपिक के अंदर हमने लाइंस लगाना सीखी हैं हमने जिस तरह पहले डिस्कशन की है कि हमें लाइंस लगाना तो आती हैं लेकिन हमने Uh, शायद ऐसे ही विद विदाउट मजरिंग यूनिट्स हमने डायरेक्टली हमें हमारे पास उस वक्त था ही नहीं कुछ डायमेंशन विदाउट डायमेंशन हमने लगाई बट इस टॉपिक के अंदर हमने स्पेसिफ़िक जो है वो डायमेंशनस uh, के साथ और एंगल के साथ लाइन लगाई और एट द रेट ऑफ जो कि शिफ्ट और टू को प्रेस करके हमने डायमेंशन लिखी एंड देन लेस देन का साइन प्रेस करके हमने एट एन एंगल लिखा सो आई होप कि इन इन सारी चीज़ों को लर्न करते हुए जब हम प्रोजेक्ट्स पे पहुंचेंगे आगे जाके तो ये हमें असिस्ट करेंगी